सकट चौथ माघ कृष्ण चतुर्थी को मनाई जाती है। इस दिन संकटहरण गणपति गणेश जी का पूजन किया जाता है। इस व्रत को करने से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और समस्त इच्छाओं और कामनाओं की पूर्ति होती है। अब हम शुरू करते हैं सकट चौथ व्रत की कहानी। एक गांव में एक बुढ़िया अपने बेटे के साथ रहती थी। उसका बेटा पशुओं को चराने का काम करता था। वह सुबह सवेरे निकल जाता और पूरे दिन पशुओं को चराता रहता, जिससे किसी तरीके से बुढ़िया और उसके बेटे का गुजारा हो रहा था। बुढ़िया अपने बेटे के लिए सकट चौथ का व्रत रखती थी। एक दिन पड़ोसियों ने उसे भड़का दिया कि तू तो पूरे दिन यहाँ पर पशुओं को चराते चराते मर जाएगा और तेरी माँ वहाँ घर पर पकवान बना बना कर खाती है। उसने कहा, ऐसा नहीं हो सकता। तो पड़ोसियों ने कहा कि तुम खुद ही छिप कर देख लेना, तब तो विश्वास करोगे। उस दिन सकट चौथ का व्रत था। जब वह घर पहुँचा तो वह उसी के लिए पुए बना रही थी। उसने देखा कि मेरी माँ सच में पकवान बना रही है। तो उसने माँ से कहा कि मैं तो जानवरों को चराते चराते मर जाऊंगा और तुम यहाँ पकवान बनाकर खा रही हो। तो बुढ़िया माई बोली, बेटा ये व्रत तो मैं तेरे लिए ही करती हूँ। तो वह बोला, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे इस घर में नहीं रहना, मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ। बुढ़िया माई ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की पर वो नहीं माना और घर से चल दिया। चलते समय उसकी माँ ने बोला, अच्छा ठीक है, जैसी तेरी इच्छा हो वैसा ही कर, लेकिन ये थोड़े से पूजा के तिल ले जा। जहाँ भी रास्ते में तेरे ऊपर कोई संकट आए तो वहाँ इनको अपने चारों तरफ बिखेर देना, चौथ माता तेरा भला करेगी। ऐसा कहकर उसने तिल अपने बेटे को दे दिए और बेटा घर से चल दिया। रास्ते में एक घना जंगल पड़ा। उस जंगल में भयानक शेर चीते रहते थे। तभी एक शेर उसके सामने आ गया। बेटा बहुत घबरा गया। तभी उसे याद आया कि उसकी माँ ने उसके लिए पूजा के तिल दिए थे। उसने कहा, यदि मेरी माँ ने सच्चे व्रत किए हों तो यह शेर गाय हो जाए। और उसने वो तिल वहाँ पर अपने चारों तरफ बिखेर दिए। देखते ही देखते शेर गाय की तरह सीधा होकर वहाँ से चला गया। अब बेटा आगे चल दिया। आगे रास्ते में एक उफनती हुई नदी दिखाई दी, जिसको कि पार करना बेटे के लिए असंभव था। तभी उसने वहाँ पर तिल बो दिए और कहा कि यदि मेरी माँ ने मेरे लिए सच्चे व्रत किए हों तो यह नदी शांत हो जाए। और देखते ही देखते नदी एकदम शांत हो गई। उसने आराम से उस नदी को पार किया और वह एक गांव में जा पहुँचा। गांव में पहुँचकर उसने देखा कि एक बुढ़िया माई पुए बना रही है और साथ ही साथ रोती जा रही है। यह देखकर उसे कुछ अजीब सा लगा कि एक तरफ तो पुए बना रही है, यानी कि खुशी का माहौल है, और दूसरी तरफ उसकी आंखों में इतने आंसू, दुख की बात है। तो दोनों चीज़ें एक साथ कैसे हो सकती हैं? उसने बुढ़िया माई से पूछा, माई तुम एक तरफ तो पकवान बना रही हो और दूसरी तरफ रोती जा रही हो, ये क्या है? तो बुढ़िया माई बोली, बेटा अब तुझे क्या बताऊँ, यहाँ पर जब भी आवा पकता है तो एक घर से एक बलि ली जाती है और आज मेरे बेटे की बारी है। मेरा एक ही बेटा है, आज उसे अंतिम बार खाना खिला रही हूँ, इसीलिए उसी के लिए पकवान बना रही थी। सकट हुआ बोला, माई तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, तुम्हारी बेटे की जगह पर मैं चला जाऊंगा, बस तुम मुझे पेट भरकर भोजन करा दो। तो बुढ़िया माई बोली, बेटा भोजन तो तू जी भरकर कर ले, पर ऐसे किसी की आई में कौन जाता है। उसने कहा, नहीं माँ तुम चिंता मत करो, मैं चला जाऊंगा। और ऐसा कहकर पेट भर के खाना खा के वो सो गया। थोड़ी देर में राजा के दरबारी उस बुढ़िया माई के बेटे को लेने आए। अब दूसरे के पूत को वो कैसे जगाए, इसलिए बुढ़िया माई कभी कलछी बजाती, कभी पलटा बजाती। ये आवाज़ें सुनकर सकटुआ जाग गया और बोला, बुढ़िया माई क्या राजा के दरबारी लेने के लिए आ गए हैं? तो माई बोली, हाँ बेटा आ तो गए हैं। तो इतना सुनना था कि वो बोला, ठीक है माई मैं जाता हूँ, और वो दरबारियों के साथ चल दिया। अब जब आवा पक रहा था तो उसमें राजा के दरबारियों ने उसको बिठा दिया। अब वहाँ पर उसने अपनी माँ के दिए हुए तिलों की सच्ची परीक्षा लेते हुए कहा कि यदि मेरी माँ ने मेरे लिए सच्चे व्रत किए हों तो यहाँ पर मेरी रक्षा करना। उसने अपने चारों तरफ तिल बिखेर दिए। आवा पकने लगा। अगले ही दिन पास में कुछ बच्चे खेल रहे थे, उनकी बॉल उस आवे पर लगी, आवा पकने की आवाज़ आई। राजा के सिपाहियों ने राजा को जाकर बताया कि आवा पक गया है।
राजा को आश्चर्य हुआ कि जो आवा 6 महीने में पकता था वो 1 दिन में कैसे पक सकता है। उसने अपने दरबारियों को आदेश दिया कि जाएं और उसको देखें। जैसे ही राजा के सिपाही उस पे से घड़े उतारने लगे तो उसमें से आवाज़ आई, जरा धीरे धीरे, जरा हौले हौले। ऐसा सुनकर राजा के सिपाही एकदम डर गए और भाग कर गए कि वहाँ पे या तो कोई भूत है या पिशाच है जो ऐसे बोल रहा है, जरा धीरे धीरे, जरा हौले हौले। राजा ने खुद जाकर देखा तो फिर वही आवाज़ आई। तो जब उसमें से अंदर से सकट हुआ निकला तो राजा ने कहा कि तुम कौन हो? तो बुढ़िया का बेटा बोला, ना तो मैं भूत हूँ ना पिशाच हूँ, मेरी माँ ने मेरे लिए सकट के व्रत रखे थे, चौथ माता ने ही मेरी रक्षा की है। राजा रानी अपनी लड़की के लिए वर की तलाश कर रहे थे तो रानी ने कहा, हम इसी के साथ अपनी कन्या का विवाह कर देते हैं, इसका तो आग भी कुछ नहीं बिगाड़ पाई है। राजा ने हाँ कर दी और लड़के का विवाह राजकुमारी के साथ संपन्न हो गया। अब बुढ़िया का बेटा अपनी पत्नी के साथ उसी राज्य में आराम से रहने लगा। एक दिन उसने अपनी पत्नी से कहा कि हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजकुमारी ने अपने माँ बाप से पति के घर जाने की बात कही तो वे तैयार हो गए और उन्होंने बहुत सा धन आदि देकर लड़की को विदा कर दिया। जब लड़का अपने नगर के निकट पहुंचा तो पड़ोसियों ने बुढ़िया माई को आकर कहा कि तुम्हारे बहू बेटा आ रहे हैं। तो बुढ़िया माई बोली, मेरा बेटा तो बहुत पहले ही मुझे छोड़कर चला गया था, अब कहाँ से आएगा। तभी पड़ोसियों ने कहा, नहीं माई, वो आ रहा है। बुढ़िया माई बोली, अगर वो सच में आ रहा है तो मेरी आंखों के तारे खुल जाएं और दूध सीधा उसके मुंह में जाए। ऐसा ही हुआ, बुढ़िया माई को दिखाई देने लगा। बेटे ने आकर अपनी माँ से क्षमा मांगी और सभी मिलकर एक साथ रहने लगे। प्रकार सकट चौथ माता ने बुढ़िया और उसके बेटे के दिन फेरे। इसी प्रकार कहानी कहने वाले और सुनने वाले सभी सकट चौथ माता दया करे। सकट चौथ की कहानी के बाद विंदायक जी की भी कहानी कह लेते हैं। एक शहर में देवरानी जेठानी रहती थी। जेठानी अमीर थी और देवरानी गरीब थी। देवरानी गणेश जी की भक्त थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ियां काटकर बेचता था और अक्सर बीमार रहता था। देवरानी जेठानी के घर का सारा काम करती और बदले में जेठानी उसे बचा हुआ खाना, पुराने कपड़े आदि दे देती थी। इसी से देवरानी का परिवार चल रहा था। माघ महीने में देवरानी ने तिल चौथ का व्रत किया। 5 रुपये का तिल और गुड़ लाकर तिलकुट्टा बनाया। पूजा करके तिल चौथ की कथा सुनी और तिलकुट्टा छींके में रख दिया और सोचा कि चांद उगने पर पहले तिलकुट्टा और उसके बाद ही कुछ खाएगी। कथा सुनकर वह जेठानी के यहाँ चली गई। खाना बनाकर जेठानी के बच्चों से खाना खाने को कहा तो बच्चे बोले, माँ ने व्रत किया है और माँ भूखी है, जब माँ खाना खाएगी हम भी तभी खाएंगे। जेठ जी को खाना खाने को कहा तो जेठ जी बोले, मैं अकेला नहीं खाऊंगा, जब चांद निकलेगा तब सब खाएंगे, तभी मैं खाऊंगा। जेठानी ने उसे कहा कि आज तो किसी ने अभी तक खाना नहीं खाया है, तुझे कैसे दे दूं? तुम सुबह सवेरे ही बचा हुआ खाना ले जाना। देवरानी के घर पति बच्चे सब आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्यौहार है इसलिए कुछ पकवान आदि खाने को मिलेगा। परंतु जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी तो बच्चे रोने लगे। उसके पति को भी बहुत गुस्सा आया और कहने लगा, सारा दिन काम करके भी 2 रोटी नहीं ला सकती तो काम करने क्यों जाती हो? पति ने गुस्से में आकर पत्नी को कपड़े धोने के धोबने से मारा। धोबना हाथ से छूट गया तो पाटे से मारा। वह बेचारी गणेश जी को याद करती हुई रोते रोते पानी पीकर सो गई। उस दिन गणेश जी देवरानी के सपने में आए और कहने लगे, धोबने मारी पाटे, मारी सो मार रही है, जाग रही है? वह बोली, कुछ सो रही हूँ कुछ जाग रही हूँ। गणेश जी बोले, भूख लगी है कुछ खाने को दे। देवरानी बोली, क्या दूँ, मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी बचा कुछा खाना देती थी, आज वो भी नहीं मिला। पूजा का बचा हुआ तिलकुट्टा छींके में पड़ा है, वही खा लो। तिलकुट्टा खाने के बाद गणेश जी बोले, धोबने मारी पाटे, मारी निपटानी लगी है। कहाँ निपटें? वो बोली, ये घर पड़ा, जहाँ इच्छा हो वहाँ निपट लो। फिर गणेश जी ने कहा, अब कहाँ पहुँचूँ? अब देवरानी को बहुत गुस्सा आया कि कब के तंग किए जा रहे हो, सो बोली, मेरे सिर पर पूछो और कहाँ पूछोगे।
सुबह जब देवरानी उठी तो यह देखकर हैरान रह गई कि पूरा घर हीरे मोती से जगमगा रहा है। सिर पर जहां विंदायक जी पोंछनी कर गए थे, वहां हीरे के टीके व बिंदी जगमगा रहे थे। उस दिन देवरानी जेठानी के घर काम करने नहीं गई। बहुत देर तक राह देखने के बाद जेठानी ने बच्चों को देवरानी को बुलाने को भेजा। जेठानी ने सोचा कल खाना नहीं दिया, इसलिए शायद देवरानी बुरा मान गई है। बच्चे बुलाने गए और बोले, चाची चलो, माँ ने बुलाया है, सारा काम पड़ा है। दुनिया में चाहे कोई मौका चूक जाए, पर देवरानी जेठानी आपस में कहने का मौका नहीं छोड़ती। देवरानी ने कहा, बेटा बहुत दिन तेरी माँ के यहाँ काम किया, अब तुम अपनी माँ को ही मेरे यहाँ काम करने भेज दो। बच्चों ने घर जाकर माँ को बताया कि चाची का पूरा घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा है। जेठानी दौड़ती हुई देवरानी के पास आई और पूछा कि यह सब कैसे हुआ। देवरानी ने उसके साथ जो कुछ हुआ था सब कह डाला। घर लौटकर जेठानी ने अपने पति से कहा कि आप मुझे धोबने और पाटे से मारो। उसका पति बोला कि भली मानस, मैंने कभी तुम पर हाथ नहीं उठाया है, मैं तुम्हें धोबने और पाटे से कैसे मार सकता हूँ। वह नहीं मानी और जिद करने लगी। मजबूरन पति को उसे मारना पड़ा। उसने ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया और छीके में रखकर सो गई। रात को चौथ विंदायक जी सपने में आए और कहने लगे, भूख लगी है, क्या खाऊं। जेठानी ने कहा, हे गणेश जी महाराज, मेरी देवरानी के यहाँ तो आपने सूखा और चूंटी भर तिलकुट्टा खाया था, मैंने तो झरते घी का चूरमा बनाकर आपके लिए छींके में रखा है, फल और मेवे भी रखे हैं, जो चाहे खा लीजिए। गणेश जी बोले, अब निपटे कहाँ। जेठानी बोली, उसके यहाँ तो टूटी फूटी झोंपड़ी थी, मेरे यहाँ तो कंचन के महल हैं, जहाँ चाहे निपट लो। फिर गणेश जी ने कहा, अब पहुँचें कहाँ। जेठानी बोली, मेरे ललाट पर बड़ी सी बिंदी लगाकर पहुँच लो। धन की भूखी जेठानी सुबह बहुत जल्दी उठ गई। सोचा घर हीरे जवाहरातों से भर चुका होगा। देखा तो पूरे घर में गंदगी और बदबू फैली हुई थी। उसके सिर पर बहुत सी गंदगी लटक रही थी। उसने कहा, हे गणेश जी महाराज, यह आपने क्या किया, मुझसे रूठे और देवरानी पर टूटे। जेठानी ने घर की सफाई करने की बहुत कोशिश की, परंतु गंदगी और ज़्यादा फैलती गई। जेठानी के पति को मालूम चला तो वह भी गुस्सा हुआ और बोला, तेरे पास इतना कुछ था, फिर भी तेरा मन नहीं भरा। परेशान होकर चौथ के विंदायक जी महाराज से मदद की विनती करने लगी। विंदायक जी ने कहा, देवरानी से जलन के कारण तूने जो किया उसी का फल है, अब तू अपने धन से आधा धन उसे देगी तो यह सब साफ होगा। उसने आधा धन बांट दिया, किंतु मोहरों की एक हांडी चूल्हे के नीचे गाड़ रखी थी। उसने सोचा किसी को पता नहीं चलेगा और उसने वह धन नहीं बांटा। उसने कहा, हे चौथ विंदायक जी, अब तो अपना यह बिखराव समेटो। वे बोले, पहले चूल्हे के नीचे गड़ी हुई हांडी निकालो, उसको भी बांटो। इस प्रकार विंदायक जी ने सुई जैसी छोटी चीज का भी बंटवारा करवाकर अपनी माया समेटी। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने देवरानी पर कृपा की वैसे सभी पर करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सभी पर कृपा करना, किंतु जेठानी को जैसी सजा दी वैसी किसी को मत देना। बोलो गणेश जी महाराज की जय, चौथ माता की जय।